तो गाइस आ चुका हूँ कोर्स का थर्ड वीडियो पे, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आज हम लोग सी शार्प का सबसे पहला प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सब चीज़ बंद कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, मैंने सारी चीज़ें बंद कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो खोलता हूँ। विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद मैं करूँगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे करने के बाद आपके पास भी इसी तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे, और यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे सी शार्प, और यहाँ पे हम ले लेंगे ऑल प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल ऐप। अगर लिख के मैं सर्च करूँ तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो आया जिसमें सी शार्प बना हुआ होगा, जिसके नीचे लिखा होगा सी शार्प लिनक्स मैक ओएस विंडो और कंसोल, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना, ना कि आप वीवी वाला पे मत क्लिक करना, आप यहीं पे क्लिक करना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देना, जैसे कि मैं लिख देता हूँ YT सी शार्प लर्निंग, ठीक है। ये चीज़ें मैं लिख दिया, और इसको जहाँ पे भी सेव करना होगा वहाँ पे सेव कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करो, और यहाँ पे लिखा हुआ डोंट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट, इस पर अभी टिक रखने देना, ठीक है। इसको आप टिक रख देना। अब मैं बताऊँगा कि इसको टिक रखने से और नहीं रखने से क्या होगा। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा देखो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट होता है वो हैवी होता है, पूरा सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, फिर बहुत सारे फाइलें क्रिएट करता है, उसके बाद हमको ये प्रोजेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिक बन के आया। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊँ, यहाँ पे देखो नेम स्पेस है। नेम स्पेस मतलब बोलने का कि जो प्रोजेक्ट का नेम है वो क्या है। अगर एक नेम स्पेस की बात करें तो एक नेम स्पेस में सारी चीज़ें आ जाती है जो हम प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं। उसके बाद क्लास क्या है, तो क्लास जो हमारा एक फ़ाइल है, ये प्रोग्राम वाला फाइल है हमारा, ये क्लास है, और फिर हमारा मेन क्लास है। इतने सारी चीज़ें बस हैं। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहला ऊपर सॉल्यूशन है एक, जो कि YT सी शार्प लर्निंग के नाम से है, और फिर एक डिपेंडेंसी नाम की चीज़ है, वो हम लोग बाद में जब यूज़ करेंगे तब देखेंगे, और एक हमारा सी शार्प का फाइल है। बस इतना ही चीज़ें हैं हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, यानी कि हमारे फाइल में। अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आपको जूम करना तो कंट्रोल दबाकर माउस को व्हील को जो आगे पीछे करोगे तो ये जूम हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सी शार्प का पहला प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे प्ले बटन लिखा हो वहाँ पे क्लिक करो, और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपका जो पहला प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्मिनल खुल के आना चाहिए, देखो ये हमारा टर्मिनल खुल के आ गया, और यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, और नीचे लिख गया कि कोई भी बटन अगर आप प्रेस करते हो तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी बटन प्रेस करूँगा तो ये विंडो बंद हो जाएगा, और हमारा प्रोग्राम भी है वो भी स्टॉप हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो प्रोग्राम था वो हम लोग ने बनाया। अभी देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर जाता हूँ फाइल पर, न्यू पे, प्रोजेक्ट पर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल, कंसोल उसी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, और इसको नाम देता हूँ डेमो, ठीक है। आपको मैं बताने वाला हूँ कि वहाँ पे जो मैंने टिक लगाया था वो टिक लगाने से क्या फ़ायदा और नहीं टिक लगाने से क्या फ़ायदा। डोंट यूज अप टॉप लेवल स्टेटमेंट, इसको मैं अभी अनटिक कर दिया, यानी कि अब हम लोग टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, वो क्या होता है वो देखते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब देखो इसमें जो हमारा है काम सेम ही हुआ, यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाया, डिपेंडेंसी है, प्रोग्राम फाइल है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो भी हमारा सॉल्यूशन का नाम लिख के आ रहा था, क्लास का नाम लिख के आ रहा था, मेन क्लास आ रहा था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ भी लिखोगे आप, इसमें सभी चीज़ें मेन क्लास के अंदर ही जाता रहेगा, यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा एक मेन क्लास एज अ कंसिडर किया जाएगा, और इसमें आपको मेन क्लास दिखेगा भी नहीं। इसको बोलते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट। अगर आपका कभी ऐसा खुल जाए, आपको लगे अरे मेन क्लास है ही नहीं,
तो आप समझना कि वहाँ पे मैंने अनटिक करके रखा। लेकिन हम लोग जो काम करने वाला है वो पिछला वाला में ही करेंगे। एक सेकंड मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, यानी जिसमें हम लोग टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं उसी को करेंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस खाली मेन क्लास नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग को समझना है मेन क्लास होता क्या है, इसीलिए मैं वो वाले यूज़ करूँगा। चलो अभी आपको बताता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो कैसे रन किया था और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलो शुरू से समझना स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एक जो हमारा स्पेसिफायर है, यानी कि ये हमको बताता है कि ये जो क्लास है उसकी स्कोप कहाँ तक होनी चाहिए। सबसे पहला ये, अगर उससे पहले बात करूँ नेम स्पेस क्या है, तो ये एक सॉल्यूशन है और उसका ये नाम है, बस इतना ही। इंटरनल क्या है, एक स्पेसिफायर है जो बताता है कि ये क्लास का स्कोप कितना है। इंटरनल बोले तो प्रोजेक्ट में कहीं पे भी ये क्लास का यूज कर सकते हैं, ये होता है इंटरनल। क्लास, एक क्लास होती है, क्लास के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास में कोई भी मेथड डाल सकते हैं हम लोग, और क्लास का नाम है प्रोग्राम, बस इतना भी समझ लो। क्लास के बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं, ये हमारा मेन मेथड है, जब भी प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा तो यहीं से रन होगा। और अगर बात करें इतना, देखो आप अगर सीसा पढ़ रहे हो तो आपको तो पता ही होगा कि प्रोग्राम जो रन होता है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। अब मैं बताता हूँ स्टैटिक वॉइड क्या होती है। स्टैटिक फिर से एक स्पेसिफायर है और वॉइड रिटर्न टाइप है, मेन क्लास का नाम है या फिर मेथड का नाम है मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क जो है वो हमारा पैरामीटर है। अब सही से समझते हैं स्टैटिक हम लोग लगाते क्यों हैं। तो देखो यार, अगर कभी भी आप देखो, अभी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप पढ़े हुए होंगे कोई दूसरी लैंग्वेज, ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई ये तो मेरे लिए नया कोड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं होना चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले कोई भी लैंग्वेज पढ़ा हुआ होगा और आपको पता होगा कि मेन क्लास क्या होती है और कैसे काम करता है। मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ जो बाकी लोग नहीं बताते हैं। तो स्टैटिक हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर ये क्लास है, प्रोग्राम क्लास है, उसके अंदर कोई मेथड है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था कि प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था, और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग उसके अंदर की मेथड को हम लोग कॉल करवा सकते हैं। लेकिन जब स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, तब हमको ये वाली जो मेथड है यानी मेन को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करने पड़ेगा इसके क्लास का। यानी जब कंपाइलर इसको कॉल करेगा तो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाएगा, ना कि कंपाइलर को ये काम करना पड़ेगा कि पहले प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना फिर उसके अंदर जो मेन है उसको कॉल करो। अब कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट करता, ऐसा तो कर सकता है, जब मैं दूंगा तब करेगा, लेकिन मेन क्लास के लिए क्यों नहीं करता। तो देखो जो सी शार्प है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, तो अगर एक बार कंपाइलर वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और मेन क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसमें उसकी मेमोरी जाएगा। इसीलिए कंपाइलर जो है खोजता है कि जहाँ पर स्टैटिक वर्ड मेन है वहाँ से हम प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ से स्टार्ट करें तो हमको एक मेमोरी मैनेजमेंट जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि हमको इसका इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ेगा और मेमोरी में इसके लिए जगह नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए स्टैटिक का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई पूछे स्टैटिक क्यों लगाते हैं, तो स्टैटिक लगाने का मतलब यह है कि जो भी मेथड के आगे स्टैटिक लगाएंगे उसको हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स क्या है, ये स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है और आर्गुमेंट ले रहा है, तो क्या हम अगर इसको कट कर दें तो भी वर्क करेगा, एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे काम कट करोगे तो देखो वर्क कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम आर्गुमेंट नहीं भेजें फिर भी काम करेगा। अगर आपने जावा में देखा होगा तो जावा में आर्गुमेंट अगर आप काटोगे तो वहाँ पे एरर आ जाती है। क्या हम एक और वॉइड मेन बनाते हैं तो कौन सा काम करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, नंबर देता हूँ। अब आप बोलोगे कि कौन सा वॉइड मेन काम करेगा, तो एक बार रन कराते हैं। देखो ऊपर वाला काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको
समझ में आ रहा है कि स्टैटिक जिसमें लगा हुआ उसको कॉल करना। चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ स्टैटिक हटा देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा कॉल करेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि देयर बिल्ड एरर है, ठीक है क्या, तो उसमें कुछ सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हुआ। अगर हम लोग इसको यस करते हैं तो देखते हैं क्या एरर देता है। अभी भी ये रन हो रहा है लेकिन ये गलत बात है क्योंकि रन नहीं होना चाहिए। ये रन नहीं हुआ, सबसे पहले ही एरर दिया था। अब देखो क्यों एरर दे रहा है। अगर इसमें हम लोग नहीं कुछ डाल रहे हैं, एक बार इसमें स्टैटिक डालते हैं और अगर इस पे होवर करें हम लोग, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एक प्रोग्राम तो ये क्रिएट किए और एक प्रोग्राम ये क्रिएट किए। अगर इसमें नहीं कुछ भी डाल रहे हैं तो ये समझ रहा है कि स्ट्रिंग आर्ग्स इसका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है। और इसमें अगर हम लोग दूसरा पैरामीटर डाल दिए तो इसको जो कंपाइलर है वो कंसीडर ही नहीं करेगा। कंपाइलर सिर्फ खोजेगा कि स्टैटिक वॉइड मेन और जिसमें पैरामीटर स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग और आर्ग्स होना चाहिए, ठीक है। जिसमें भी एरे ऑफ स्ट्रिंग डाला हुआ होगा उसी को वो कंसीडर करेगा मेन क्लास के जैसा, जैसे कि इसको कंसीडर नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हम लोग समझ गए कि मेन क्लास कैसे काम करता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि ये है, इसका नाम है कंसोल। कंसोल यानी कि एक क्लास है। कंसोल बोले तो जो हम लोग ओपन करते हैं टर्मिनल उसको बोलेंगे कंसोल। और उसमें एक मेथड है, अगर आप यहाँ पे, मैं इसको अगर यहाँ से कट कर लूँ और डॉट लगाऊँगा तब आपको दिखेगा कि कंसोल के अंदर कितनी सारी मेथड हम लोग रन करवा सकते हैं। तो सबसे जो अभी यूजफुल मेथड है वो हम लोग यूज़ करेंगे राइट लाइन, ठीक है। राइट लाइन के अंदर लिखूँगा मैं हेलो वर्ल्ड, लास्ट में कॉमा सेमी कॉलन, ठीक है। तो इससे हमारा कंसोल में ये चीज़ें प्रिंट हो जाएगा। अब इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। देखो विजुअल स्टूडियो में डुप्लीकेट करने के लिए आपको कंट्रोल डी दबाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर से लाइन हटा दूँ अब क्या प्रिंट होगा वो मैं देखता हूँ। यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड लिखता हूँ। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तब देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो देखो ऊपर भी हेलो वर्ल्ड और नीचे भी हेलो वर्ल्ड, अब ऐसा कैसा हो गया। तो अगर आप राइट लाइन लिखते हो तो वो एक नया लाइन में प्रिंट करवाएगा, लेकिन अगर जैसे ही राइट लिखोगे तो वो एक ही लाइन में प्रिंट कराएगा और इसको भी उसी के लाइन में प्रिंट करवा दिया, यानी दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, ठीक है। इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से ये सारी चीज़ें पता होगा। तो चलो आज की जो वीडियो था वो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।